लोकसभा चुनावों के लिए इस बार प्रदेश में तीसरे दल के तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। बाकायदा इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमीरपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह डोगरा ने कहा कि प्रदेश की दो सीटों हमीरपुर और कांगड़ा में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने गठबंधन की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह डोगरा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जो कि जीत दिलाने वाले हों। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनावी गठबंधन देश में चला हुआ है उसी को देखते हुए अब हिमाचल में भी चुनावों में दो सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। डोगरा ने माना है कि प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस का जनाधार कम है, लेकिन फिर भी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने में इस बार राष्ट्रवादी पीछे नहीं रहेंगे। बता दें कि गत 6 माह पूर्व हुए हिमाचल में विधानसभा चुनावों में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया था और अब लोकसभा चुनावों के लिए भी कमर कसने में दोनों प्रमुख दलों को मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार हिमाचल प्रदेश में नहीं है, मैं बड़ी सच्चाई बयान करूंगा आप लोगों के सामने, लेकिन जितना भी है तो उसमें से हम चेहरा तलाश करने की जरूरत नहीं। ये बड़ी सच्चाई है कि फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चेहरा एक मैं ही हूं, इसके अलावा तो कोई चेहरा फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हिमाचल में नहीं है। लेकिन जहां तक लोकसभा चुनावों की बात है तो हमने पवार साहब को और प्रदेश प्रभारी श्री तारिक अनवर साहब जी को हमने पहले ही इस बात का आगाह कर दिया है कि यदि गठबंधन होता है तो हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। मैं मानता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, इतना बड़ा जनाधार नहीं है कि अकेले हम अपने बलबूते जो है लोकसभा की सीट निकाल दें। लेकिन हाँ, जिस तरह से चुनावी गठबंधन चल रहा है और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए जो देश के स्तर के ऊपर जो गठबंधन की नीति बन रही है, अगर उस संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के साथ हिमाचल प्रदेश में कोई भी सीट मिलती है तो जरूर हम लोग जीतेंगे।